कटनी से एक मामला सामने आया है जहां एक पुलिसकर्मी ने मॉडल एक्सीलेंस स्कूल की छात्रा से छेड़खानी की है। पीड़ित छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती है और छात्रा ने प्रदेश के मुखिया शिवराज को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पत्र में आरोपियों के नाम भी लिखे हैं। अब देखना यह है कि बच्चियों के मामा शिवराज इस पर क्या एक्शन लेते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज जहां एक तरफ मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी भांजियों के इंसाफ मांगते हुए लिखे गए आवेदन उनके खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं। यही नहीं, जनता की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी ही आपकी भांजियों को नहीं बख्श रहे, तो फिर किसी और से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। मामला कटनी का है जहां रीठी थाने में तैनात मंचल पुलिसकर्मी ने मॉडल एक्सीलेंस स्कूल की छात्रा को छेड़ दिया, जिसके बाद 10वीं कक्षा की पीड़ित छात्रा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के नाम आवेदन पत्र लिखा है और आरोपी पुलिसकर्मी आरक्षक लखन पटेल व धर्मेंद्र चौधरी का नाम उल्लेख करते हुए इंसाफ की मांग की है कि आप लोग यहाँ पे लगाते हैं, हम लोग को जल्दी जाने दीजिए, हम लोग को छुट्टी, हम लोग का टाइम भी हो रहा है, मम्मी पापा लोग भी परेशान होते हैं। तो वो नहीं मान रहे थे, तो मैंने इतना बस बोल, तो कह रहे थे थाने चलना पड़ेगा। तो मैंने इतना बस बोला था कि चलो भैया है ऑटो वाले, कोई बात नहीं। तो एक पुलिस ऑफिसर आके और मेरा हाथ पकड़ के और ऐसी की तैसी ऐसे बोल रहे थे कि तेरी ऐसी की तैसी, और हाथ उठा लिए ऐसे, हाथ पकड़ के मेरे इधर पे ऐसे, और हाथ सीएम राइज हो गया, सीएम राइज मॉडल स्कूल। मैं चाहती हूँ कि उन पर कार्यवाही हो। इसमें थाना रीठी के अंतर्गत कल की घटना है, जिसमें ऑटो में कुछ छात्राएं थी, जो आरक्षक है रीठी थाना क्षेत्र में, उन्होंने ऑटो चालक को रोककर उनके साथ कुछ अभद्रता की होगी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने पर उस आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।